काजोल एक बंगाली फैमिली की लड़की थी और जिगर एक गुजराती लड़का था। जिगर को काजोल एक दोस्त की शादी में मिली थी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मना ही लिया और फिर काजोल और जिगर की शादी हो जाती है। काजोल की सास अल्पना को अपनी बहू को लाने का बहुत चाव था, पर काजोल बंगाली थी। यही बात अल्पना को पसंद नहीं आ रही थी। काजोल भी कहीं न कहीं एकदम से बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में आ गई थी, तो वो भी इस बात से थोड़ा घबरा रही थी। शादी करके तो तुम आ गई हो, लेकिन हमारे गुजराती रीति रिवाज भी तुम्हें सब सीखने होंगे। और रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। तुम्हें चावल और मच्छी खाना छोड़ना होगा। माँ, मैंने काजोल को पहले कह दिया था कि हमारे घर पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है, और इस बात से काजोल को कोई ऐतराज नहीं है। जिगर की बात सुनकर काजोल कमरे में आकर जिगर से कहती है, तुम्हें तो पता है मछली और चावल मेरे पसंदीदा भोजन में से एक है। अब तुम ही बताओ, मैं ये सब खाए बिना कैसे रहूंगी। आज सुबह भी नाश्ते में मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा, वही ढोकला थेपला कैसे खाऊंगी मैं ये सब रोजाना, तुम ही बताओ मेहर। काजोल, तुम जानती हो ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो हमें इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तालमेल तो बिठाना ही होगा। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मेहर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम अल्पना काजोल को कहती है, काजोल मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, घर में मेहमान भी आएंगे। इस बार मकर संक्रांति की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है, और हाँ, खिचड़ी का प्रसाद भी तैयार करना है। अब ये सब कैसे करूँगी, मैंने तो कभी ये प्रसाद वाली खिचड़ी बनाई ही नहीं। माँ को फोन करती हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है काजोल, मेरी सहेली सेजल भी गुजराती है, उससे पूछकर मैं तुझे सब बता दूंगी। तू एक काम कर, मैं तुझे उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तू उससे फोन पर बात कर लेना। ठीक है माँ, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। काजोल जितना हो सकता था वो अपनी मम्मी की